एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे ना। दिल घबरा रहा हो और कुछ भी घबराहट हो रही तो अपने आप से क्या बोलना है? ऑल इज वेल, सब बढ़िया है। और बताइए आप कैसे हैं? तो आज है स्पेशल डे, जैसा कि सब जानते हैं आज है मदर्स डे। तो तमाम महिलाओं को और तमाम लेडीज़ों को और तमाम बूढ़े बुजुर्ग जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को दिल से हैप्पी मदर्स डे। तो वेरी स्पेशल डे। तो आज रिद्धि सुबह से जिद कर रही थी कि मम्मा आज मदर्स डे है, तो मेरे बच्चों ने सबसे पहले मुझे विश किया है, सबसे पहले विश किया था हमको हैप्पी मदर्स डे। और आज क्या करने वाली है रिद्धि मेरे साथ? आज रिद्धि मेरा मेकअप करने वाली है। और रिद्धि कह रही थी मम्मा आज मैं आपका मेकअप करूंगी। ये तो खुद ही मेकअप कर रही है। टुक टुक अपना मेकअप कर रही है और सारी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। तो मैंने कहा चलो इसी के साथ अपना ब्लॉग भी शेयर करते हैं। तो आज देखते रिद्धि अपनी मम्मा को कैसे रेडी करती है। रिद्धि मुझे अच्छा से रेडी करोगी, सुंदर बनाओगी, बहुत सुंदर रेडी करोगी। तो आज एज अ ठीक है, नहीं बताऊंगी। और रिद्धि मेरे लिए क्या बनाएगी आज स्पेशल है? रिद्धि मैगी, आज मम्मा के लिए रिद्धि मैगी बना खिलाएंगे। हाँ लेकिन मेरे लिए स्पेशल बनाएंगी ना मैगी। हाँ, तो आपको तो ज्यादा ही। हाँ ज्यादा मिलेगा और मेरा मेकअप भी करेंगी। तो ये गिफ्ट है मेरी बच्ची के साथ। और कैसा जा रहा है आज का डे आपके साथ मैं सब शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और फुल वीडियो वॉच करिएगा। बहुत क्या आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? फाइनली मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने आसन पे बैठ गई हूँ। दोनों बच्चे मेरे यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये दोनों मेरा करेंगे मेकअप। उससे पहले मैं दिखा दूँ कि ये खुद ही पहले अपना मेकअप करके रेडी हो गई हैं। बिंदु लगा लिए लिपस्टिक और नेल पेंट इसमें लगा लिए। तो ये खाली है। हाँ ये लगा लिए, इसमें भी लगा। ओके तो सर ये क्या लगा रही थी आप? क्रीम मॉइस्चराइजर। जब बच्चे मेकअप करते हैं और खासतौर पे बेटियां, तो माँ के लिए कह सकते हैं बहुत अच्छा एहसास होता है। जैसा भी हो मेकअप, अभी कुछ पता नहीं है कैसा होने वाला है मेरा मेकअप फाइनल लुक। हाँ लिप बाम भी जरूरी है। आज से मिला दो। क्या बनने वाले हैं? अच्छे लग रहे हैं। सही से सेट कर दियो। अब क्या बचा? अब क्या लगाना? लिपस्टिक। लिपस्टिक लगा दे दीदी। आप बिंदी मुझे लगा दीजिए। टुकटुक बिंदी तो लगाए तो आज करते हैं। कहाँ लगाए? अच्छा यार टुकटुक ने बिंदी लगा दिया। किसने लगाया बता दीजिए पहले इसमें। मैंने। किसने लगाया बिंदी? मैंने। हाँ बता दीजिए बिंदी मम्मा को लगा दी। बिंदी मैं मम्मी को लगा दी। नीचे से स्नैप ले लिया। तो मेरी दोनों बेटियां आज मेरी कर रही है मेकअप। और एक है सेवन जर्की, आपकी सेवन कंप्लीट हो जाएगा।
और एक है 3.5 साल की, दोनों बेटियां आज मम्मा का मेकअप करके अपने आरमान पूरा कर रही है। हो गया फाइनल मेकअप मेरा, दिखा लिया शीशा तो मुझे कैसे लग रही हूँ मैं, मुझे अभी तक देखा नहीं मैंने शीशे में, बार बार टुकला रही थी बट शीशे में। अच्छा अभी थोड़ा खराब हुआ है क्या? ये लगाएंगी आप? तो आप मुझे दिखाएंगे शीशा कैसे लग रही हूँ मैं? फाइनल टच हो गया ना, दो सही है शीशा। अच्छा ठीक कर दीजिए। बिंदी तो देखते हैं फाइनल, आप दिखाने जा रही हैं दीदी मुझे, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा मुझे मेरी बिटिया ने तैयार किया है दोनों बिटियों ने। तो देख लूं मैं, अरे इनका मेकअप चल ही रहा है। ये अच्छा नहीं बना? नहीं बेटा बहुत सुंदर मेकअप किए, बहुत सुंदर मेकअप किए हैं। आप लोगों को भी कराना हो तो मेकअप बुक करा लीजिए मेरी तरफ। मेरी दीदी ने बहुत सुंदर मेकअप किया है। हाँ मेरा टुकटुक में बहुत सुंदर मेकअप किया है। आप सबका करोगे मेकअप? आप बता दो करोगे सबका? मेरा बाबू मेकअप किया है। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ इस मदर्स डे के लिए। स्पेशल मेरी दीदी ने मेरा मेकअप किया। अभी तो एक और स्पेशल है मैगी। हाँ स्पेशल अभी है सरप्राइज मेरे लिए। क्या बनाएंगी? मैगी। कौन कुक करेगा? हाँ दोनों लोग मिलके मैगी बनाएंगे ना, तब सबको खिलाएंगे। हाँ सबको कौन? अरे मैं देख ले रही हूँ शीशा। अरे वाह कितना अच्छा। अरे तुम नहीं दिखाओगे, मैं देखो तुम्हारे। अच्छा अच्छा मुझे दिखा दीजिए। अरे वाह टुकटुक ने तो बहुत सुंदर रेडी किया है मुझे। प्यार करती हो मम्मी को बहुत प्यार करती है। मम्मी खरबूजा खाओ। यहाँ पे हम लोग खरबूजा एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त और बच्चे भी वहाँ पे खा रहे हैं खरबूजा। तो हम लोग यहाँ पे खरबूजा एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद रिद्धि मेरे लिए स्पेशल करेंगी मैगी बनाएंगी। तो ये मेकअप कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना भाई? बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बार बार नहीं बोलूँगी। आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए खा लेते हैं खरबूजा। टुक टुक देखो टुक टुक स्ट्रॉन्ग गर्ल बन गई। आ गए हैं किचन में और मैंने मेकअप छुड़ा लिया है क्योंकि मेकअप जब ज़्यादा देर किए रहो तो भारी भारी लग रहा था। मैंने कहा रिद्धि थोड़ा सा छुड़ा ले, तो रिद्धि ने कहा ठीक है मम्मा। तो यहाँ पे मैंने फेस वॉश बस मुंह पे किया है और कुछ नहीं लगाया है। फेस वॉश करके मैंने मुंह धुल लिया है और वॉशिंग मशीन में पाइप लगी हुई है कपड़ा धुलने के लिए रखा हुआ। और रिद्धि यहाँ पे आ गई है किचन में मैगी बनाने। क्या बना रही रिद्धि? मैगी। 2 पैकेट का मैगी बना रही है, पापा नहीं खाएंगे इनके। रिद्धि मेरे लिए मैगी बना रही है। जब पापा का डे आएगा तो पापा का होगा। हाँ तो पापा के लिए फिर क्या बनाओगी फादर्स डे? वो तो सरप्राइज होगा। तो वो सरप्राइज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे डेली रूटीन ब्लॉग भी इंजॉय कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो रिद्धि चल रही है यहाँ मैगी बना रहे हो। यहाँ बताती जाएंगी पहले क्या क्या चढ़ाना है रिद्धि को। तो पहले यहाँ पे भगोना चढ़ाना है और मैं चढ़ा दूंगी रंदना और इसमें पानी डालना है। तो सिंपल वाला मैगी बन रहा है क्योंकि ये रिद्धि का फेवरेट है। हाँ वो पानी डाल दिया आपने, अब इसमें क्या डालेंगी? ये मैगी फटाफट से रिद्धि यहाँ पे मेरे लिए बना रही है, बाकी गैस मैं जलाऊंगी। हाँ डाल दीजिए। ओके दूसरा वाला भी डाल दीजिए, मैंने कट कर दिया है कैची से दोनों। तो रिद्धि इस मैगी रेसिपी बताइए कुछ मैगी के बारे में। आज पानी वाली मैगी क्यों बना रही हैं? मुझे पसंद है क्योंकि। तो आपको पसंद है ना, तो मुझे क्यों पानी वाली मैगी खिला रही हैं? क्योंकि आपको टेस्ट करिएगा ना पानी वाली। अच्छा तो पानी वाली मैगी मम्मी को खिलाई जा रही है। वैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है पानी वाली मैगी। और रिद्धि को पानी वाली मैगी पसंद है? हाँ यू लाइक इट? ओके तो ये मसाला मैंने कट कर दिया है, ये मसाला है मैगी का वो डाल देंगे। हाँ डाल दीजिए। जिनको जिनको नहीं आता है मैगी बनाना वो मेरी रिद्धि विद्या रानी से सीख सकती है मैगी बनाना। और टुकटुक भी वहीं से, पानी उबलेगा तब मैगी टलेगा, बस वो अपना खेलने में ही बिजी है, अभी बहुत छोटी है। बट रिद्धि ने कहा मम्मा मैं आपके लिए मैगी बनाऊंगी। और मेरे पति देव खर्राटे ले रहे हैं। पापा रिद्धि के क्या ले रहे हैं? खर्राटे। तो यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं और 1.5 गिलास पानी डाला हुआ है। बड़ा स्पून ले लीजिए, बड़ा स्पून लेके आऊं?
यही लेके आएंगी। आज रिद्धि टोटल सब चीज़ करेंगी खुद से। ओके तो यहाँ पे रिद्धि की बन रही मैगी और मैंने गैस ऑन कर दिया था। रिद्धि को नहीं आता अभी गैस ऑन करना, वैसे आता है लेकिन सही से नहीं आता, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने कहा रिद्धि बनाइएगा आप, बट मैं गैस ऑन कर दूंगी और साइड वर्क मैं करा दूंगी, क्योंकि बच्चों को अकेले किचन में छोड़ना सही नहीं है ना, इसलिए। तो क्या बोल रही थी रिद्धि, बोलिए। तो आप बनने वाली है मैगी इतनी जल्दी? कितने मिनट्स में बनती है? बन के रेडी हो जाएगी 2 मिनट्स में। हाँ ओहो, और आइए देखते हैं टुक टुक क्या कर रही हैं। पानी डाल रही थी, किसमें डाल रही थी आप पानी? और इसको गैया को डालना है, तो ये गैया को डालना है तो इसको मैं रख देती हूँ। कहाँ रखूँ, यहाँ पे रख देते हैं, अभी गैया को डाल देंगे। तो रिद्धि आज तो है मदर्स डे, तो कुछ बोलो मदर्स डे में क्या होता है, मम्मा क्या करती हैं? मम्मी डांटती है, जो मांगते हैं वो देती है। हाँ, इसीलिए मदर्स डे मनाया जाता है। ये मदर्स डे में होता क्या है रिद्धि? मदर्स डे में मम्मी को सरप्राइज देते हैं। ओके, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मेरी प्यारी गुड़िया रानी। तो इनकी मैगी बन रही है, तो मिलते हैं मैगी बन जाने के बाद। मैगी बन करके हो गई है रेडी, बस निकालना है, तो निकालने का काम मैं करूंगी। तो रिद्धि इतना अच्छा और इतनी टेस्टी वाली मैगी मेरे लिए बनाई है कि पूछे मत। थैंक यू रिद्धि, वेलकम। और जब मेरा बर्थडे आएगा ना, तो मेरा बर्थडे आएगा तो मुझे ना बताइएगा, सरप्राइज दीजिएगा। अच्छा ओके, मैं भी सरप्राइज दूंगी, ठीक है। मेरे बब्बी का बर्थडे आएगा तो नहीं मैं बताऊंगी और मैं सरप्राइज दूंगी। ओके ओके। सब बना है, वाह बहुत गर्म है, बहुत टेस्टी है रिद्धि। बहुत टेस्टी, लाइटर जलाना। तब मैं आपके लिए मैगी बना। लाइटर से मैंने गैस जलाया, तो वही कह रही लाइटर जलाना, मैं सीख जाऊं तो फिर पूरी मैगी मैं बनाया करूंगी। मैं खाली। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हो, फिर से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। पापा के सरप्राइज में मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो चलो बाय कर लेते, बाय।